अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट चीज़ पराठा, जिसके लिए हमें चाहिए फ्रोज़न पराठास, 3 अदद अंडे, टमाटर और प्याज बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च बारीक कुटी हुई, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा, और मेन इंग्रेडिएंट चीज़। हमें चीज़ चाहिए अंडे में नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा हम ऐड कर देंगे, और साथ ही जो सब्ज़ मिर्च कुटी हुई थी हम वो भी ऐड कर देंगे, और साथ जो हमने टमाटर और प्याज बारीक कटा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे, और हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। प्लीज़ मेरा पेज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। देखिए हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। मैन्यू के पराठा हैं, तो पहले पैन को जो है हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और जब पैन गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम रख देंगे, और फिर मीडियम फ्लेम में हम इसको गर्म करेंगे। और साथ ही मैं चाय बना रही थी, तो चाय के लिए मैं 1/2 कप पानी में मैंने पत्ती को अच्छी तरह पका लिया था, उसके बाद मैंने 1.5 कप इसमें दूध का शामिल किया था। ये देखिए फिर दूध ऐड कर देंगे, उसको हल्की आग में मैं जो है साथ साथ चाय भी बनती जाएगी, और साथ साथ जो हमारे ऑमलेट चीज़ पराठा है वो भी बन जाएगा। ये देखिए जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके ऊपर वो जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था, मीन्स अंडों का बैटर जो बनाया हुआ था वो हम ऊपर ऐड कर देंगे। अगर ये आपसे थोड़ा सा पराठे के साइड पर चला जाता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप इसको साइड से भी हटा सकते हैं या इसको उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे, यानी फ्लिप आउट कर देंगे। तो पहले नीचे से इसको थोड़ा सा यानी क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्प के लिए हम तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे। साथ ही मैं आज बना रही थी मूंगी मसरों की और चनों की दाल। पहले आपके साथ मैंने दूसरा तरीका शेयर किया था, एक और रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस रेसिपी से अच्छे बनता है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा मुझे अब ऑयल डाल रही हूँ मैं, ताकि नीचे से क्रिस्प हो जाए। ये बहुत मज़े का बना था, आप इसमें चाहें तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको मैं यही ऐड की थी। हम देखिए अभी मैं इसको देख रही हूँ कि नीचे से ब्राउन हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमने अब देखें अब इसको हमने पलट दिया। अब हम इसको थोड़ा सा मीन्स 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ऑलमोस्ट रखेंगे इसको हम। तो ये देखिए फिर इसको मैंने पलट दिया था, और इसके बाद इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर दूंगी, और इसको 1/2 उठा के ऊपर कर दूंगी। इसको फिर हमने दोनों तरफ से गरम करना है। अगर आपके पास ये चीज़ें स्लाइसेस वाले हैं चीज़ हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक पराठे में स्लाइस वाला चीज़ ऐड किया था, क्योंकि अभी जो दूसरी चीज़ थी वो पहले फ्रीज़ हुई हुई थी, उसको मैंने पहले वो निकाल के रखा था, 3 पराठे के लिए रख रखा था। तो अब मुझे एक और पराठा बनाना था, तो चीज़ स्लाइसेस जो हैं वो इजीली जो होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, या मैं दूसरा पराठा बना रही थी। इसमें आप चाहे ऊपर जैसे अभी ऑमलेट मैंने ऊपर डाल दिया इसका बैटर, तो आप इसको फ्लिप आउट करेंगे जैसे, तो आप इसके ऊपर चाहे केचप ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास था चीज़ वाला स्लाइस, तो ये मैंने डाल दिया था। इसमें मैंने 2 ऐड किए थे क्योंकि थोड़ा सा टूट गया था, तो ये देखिए मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगी। आप इसमें चाहे केचप भी ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको फिर आप बस ऊपर यानी 1/2 ऊपर कर देंगे, तो बड़ा मज़े का पराठा बना था ये। साथ ही हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो तो शुगर नहीं डालती, और मैं शुगर डाल के पीती हूँ चाय, साथ हमारी चाय ऐड हो गई थी। प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और तमाम मुश्किलात से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। ये देखिए मैं, आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ, लेकिन नहीं, स्पून थोड़ा छोटा था तो इसलिए मैंने 2.5 स्पून जो था वो ऐड किया था। इसमें से थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी, तो ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ जो हमने पराठा बनाया हुआ था। आप थोड़ी देर रखेंगे तो चीज़ के स्ट्रिंग्स भी बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा अपना डेयरी फार्म भी है,
तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी सी वीडियो, मैंने इस वीडियो बनाई नहीं थी। जब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह तो उसकी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ। और पहले जो है हम दुबई रहते थे, तो दुबई से लास्ट ईयर जो थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, और मेरे हस्बैंड जो है वो इसी ईयर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ये देखिए स्ट्रिंग्स कैसे बन रहे हैं, यम यम, बहुत मज़े का बना था ये। बस मेरे हिसाब से थोड़ी सी नमक मिर्च कम थी। जब मेरा बेटा जो था, जैसे दो बच्चे एक दिन जाते हैं एक दिन जाता है, तो उसके लिए बनाए थे, उनके लिए तो नमक मिर्च काफ़ी थी। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरा पेज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।